लास्ट टाइम पे हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था 10.1 का, आज हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर पैरेलल साइड इफ इट्स एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया दे रखा है 28, और पैरेलल साइड जो होती है ट्रेपेजियम में दो होती है, तो दोनों में से एक है 6 और अदर वाली हमें फाइंड करना है, और एल्टीट्यूड मतलब हाइट दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमें ट्रेपेजियम दिया है जिसमें पैरेलल साइड हमारी एक तो 6 है और एक हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमने ज़रूर उसको 8 सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन आंसर आने के बाद तो ये नीचे वाली साइड है वो हमें फाइंड करनी है, और एल्टीट्यूड हाइट हमें 4 दे रखा है। तो गिवन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपेजियम का फार्मूला जो है उसका यूज़ हमें करना पड़ेगा। वन पैरेलल साइड जो है DC वो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड मतलब हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो ये भी हमें निकालना है, ये भी हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाएंगे। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ए प्लस बी का मतलब क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड या हाइट। तो एरिया 28 है इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ए मतलब सम पैरेलल साइड, तो वन वाली जो है वो 6 है और सेकंड वाली हमें फाइंड करनी है 8, मतलब फाइंड करनी है वो हमारे पास बी है, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4। तो 2 का मल्टीप्लाई 28 में हो, क्योंकि ये अपॉन में है, तो इक्वल के अदर साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 28 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 6 + b मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 4 जो मल्टीप्लाई में है ना, ये इक्वल के अदर साइड पर आके कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा। तो 28 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 4, फिर 4 से हम कट कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, ठीक है। तो 2 का इंटू जब 7 का इंटू जब 2 में होगा तो भी 14 आएगा, और अगर आप इसको 2 से कट करते हो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो भी 14 आया। कैसे भी आप कट करो 14 आएगा, तो 14 इक्वल टू 6 + b। तो आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 6 है ना, प्लस का इधर आके काय का हुआ माइनस, तो 14 - 6, तो b इक्वल टू क्या आया, 8 सेंटीमीटर। तो देयर फॉर अदर पैरेलल साइड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 4 हमारे पास है। द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 20 मीटर एंड 30 मीटर एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड आर 6 मीटर एंड 8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हमारा क्वेश्चन जो 4 है और जो 5 है, तो 4 और 5 सिमिलर है, ठीक है बच्चों। तो हम 4 सॉल्व कर रहे हैं, 5th आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। तो सिमिलर क्वेश्चन है, बस नंबर्स अलग अलग है, बाकी पैटर्न पूरा सेम है, तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, 4 को। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, तो ए से बी सी और डी, ये पूरा जो डायग्राम है ये ट्रेपेजियम का डायग्राम है। ए से बी पूरा कंप्लीट, बी से सी और सी से डी और डी से ए। तो यहाँ पे दो साइड पैरल है, ऊपर की सी डी और नीचे की ए बी, ये पूरी लाइन ये दोनों पैरल है। तो ऊपर की जो है वो 20 मीटर है, मतलब 20 मीटर है, और नीचे की क्या है, 30 मीटर, ओके। और नॉन पैरल साइड मतलब कि ये अगर आप देखें तो ये क्या है, आगे जाने पर इंटरसेक्ट करेगी। अगर आप ए डी को आगे बढ़ाओगे तो ये ऐसे जाएगी, और बी सी को आगे बढ़ाओगे तो ये ऐसे जाएगी, तो दोनों इंटरसेक्ट करेगी, तो ये नॉन पैरल साइड है। तो नॉन पैरल साइड हमें कितनी दे रखी है, 6 और 8। अब हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, और हाइट हमें पता नहीं है। तो हाइट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल मतलब इस ट्रेपेजियम में कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे और हम कुछ ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करेंगे हम सी ई पैरेलल टू ए डी।
मतलब सी से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, एडी जो है हमारी नॉन पैरेलल लाइन जो है एडी, इस एडी के अकॉर्डिंग सी से एक लाइन बनाएंगे जो पैरेलल है। तो मतलब ये एडी की लाइन और ये सी की लाइन क्या है, पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। जब पैरेलल है तो हम जानते हैं ये ऊपर की और नीचे की, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, मतलब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब ये 6 है तो इसके जो हमने पैरेलल बनाई वो भी 6 होगी, और ऊपर की 20 है तो इसका जो पॉइंट है वो भी 20 होगा, मतलब ई पॉइंट ए से कितना दूर होगा, 20। तो ये पूरा जब 30 है तो ये 20 हुआ, तो इधर का कितना हुआ, 10। मतलब ये पूरा ट्रेपेजियम दो डायग्राम में डिवाइड हो गया, एक तो रेक्टेंगल, मतलब एक तो हुआ पैरेललोग्राम और एक हुआ ट्रायंगल में। ठीक है, तो ट्रायंगल की जो हाइट है वही हाइट किसकी है, ट्रेपेजियम की, तो दोनों की हाइट सेम है। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल की हाइट को फाइंड करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें हाइट निकालनी पड़ेगी पहले और फिर ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। तो ट्राइंग हाइट निकालने के लिए हमने पूरा यह प्रोसेस किया है कि पैरेलल लाइन बनाते हैं तो ये अपोजिट पैरेलल हो जाती है, ये भी पैरेलल हो जाती है, बची हुई यहाँ पर बेस हो जाएगी और हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा। तो ट्राइंगल की हमें यहाँ पर सारी साइड पता है, 1 6 सेंटीमीटर है, 1 8 सेंटीमीटर है और नीचे वाली 10 है। क्यों, पूरा जब 30 है और अपोजिट 20 20 है तो ये बचा हुआ 10 हो गया। तो ट्रायंगल में हम पहले हाइट कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकाल के, और एरिया निकालने के लिए हम हीरोन या हीरोस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए इक्वल टू लिखेंगे 6 मीटर, बी इक्वल टू 10 मीटर, सी इक्वल टू 8 मीटर। तो एस निकालेंगे, एस होता है सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो 6 प्लस 10 प्लस 8 बाई 2, तो ये सारे जब प्लस होके बाई 2 करेंगे तो 24 बाई 2, मतलब 12 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स फार्मूला है ना, या हेरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये काम में आता है, और फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इस फार्मूले से मतलब इस जब हमें ट्रायंगल की 3 साइड गिवन हो तो वहाँ पे एरिया निकालने के लिए हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एस की जगह पर 12, फिर ब्रैकेट 12 माइनस 6, ए हमारा 6 है, एस 12 माइनस 10 एंड 12 माइनस 8। अब उसके बाद स्क्वायर रूट में 12 आया, 12 में से 6 गए तो 6 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, 12 में से 10 गया तो 2 मल्टीप्लाई, 12 में से 8 गया तो 4। ओके, अब हम यहाँ पर फैक्टर करेंगे, तो 12 के फैक्टर क्या आएंगे, तो आप जानते हो कि 12 के फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालते हैं, इस तरीके से प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 12 के। तो आप 2 का जाएगा 6 बार, फिर 2 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार, तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर निकालते हो। तो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 12 की जगह पर हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, फिर 6 की प्लेस पर लिखा 2 मल्टीप्लाई 3, फिर 2 का 2, 4 का लिखा 2 मल्टीप्लाई 2, तो इस तरीके से सारे मल्टीप्लाई निकाल दिए। अब पेयर बना रहे हैं, तो स्क्वायर रूट कब सॉल्व होगा, जब पेयर बनेगा, तो 2 का एक पेयर बन गया, 2 बार 2 है, 3 का भी पेयर बन गया, 3 भी है, उसके बाद वापस 2 का पेयर बन गया, और लास्ट में भी 2 का पेयर, मतलब 2 के पेयर कितनी बार बने, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, तो 2 3 बार बाहर आ जाएगा, और 3 का 1 पेयर बना तो 3 1 बार आएगा, तो तीनों मल्टीप्लाई हुआ तो 24 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसका नाम था बी सी डी। अब हम इस एरिया से क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा है, हाइट निकालेंगे पहले। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या है, वो हम यहाँ पर हाइट निकालने के लिए यूज़ करेंगे, 1 बाई 2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आया 24, तो वहाँ पर 1 अपॉन 2 बेस इंटू हाइट इक्वल 24। और आप देखोगे डायग्राम में नीचे वाला पार्ट जो था वो 10 था,
तो बेस आपका क्या हुआ, 10 हो गया। हाइट आपकी क्या है, एच है, तो 1/2 बेस आपका 10 है मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू 24। तो 2 से 10 कट हुआ 5 टाइम, तो ये 5 मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल के दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो 24/5, तो 5 का जब डिवाइड करेंगे तो 4.8 मीटर ये आपका हाइट आ जाएगा। हाइट आने के बाद हमें जो क्वेश्चन में फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, तो ए प्लस बी मतलब सम ऑफ पैरेलल, जो ऊपर की और नीचे की जो पैरेलल है उनका सम, मल्टीप्लाई हाइट मतलब एच, तो 1/2 ऊपर की साइड 20 थी, नीचे की 30, तो टोटल जो लंबी सी पैरेलल साइड थी ना उसको लिखेंगे, तो 20+30 मल्टीप्लाई एच, हाइट हमारी ट्राइंगल की और ट्रेपेजियम की हाइट सेम है तो 4.8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 पहले इनको प्लस करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 4.8, तो 2 1 2 2 2 4 और 2 5 10, 25 टाइम, तो 25 का मल्टीप्लाई 4.8 में जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 1200। लेकिन पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो यहाँ पीछे से 1 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद की 0 को हटा सकते हैं, तो 120 मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर देयर फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th आपको होमवर्क में करना है, 6 और 7 हम नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों, तो 8th वाला कर रहे हैं। तो 8th वाले क्वेश्चंस में हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर इन विच द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज 20 मीटर एंड परपेंडिकुलर ऑफसेट, जिसको हम परपेंडिकुलर्स मतलब ऑफसेट्स बोलते हैं, ड्रॉन टू इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस आर 11 मीटर एंड 9 मीटर। तो हमारे यहाँ पर क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है और हमें वन डायगोनल दे रखा है और ऑफसेट्स दे रखे हैं, ऑफसेट्स जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल पर, वो हमें दे रखे हैं 11 और 9। तो सॉल्व करते हैं हम इसको, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटर हमने बना लिया, इसके बाद ये जो हमारा है बी डी, बी डी डायगोनल है और ये हमें 20 दे रखा है, और बी डी के ऊपर ऑफसेट मतलब कि सी से परपेंडिकुलर डाल रखा है जो कि 9 है, और एक ए से परपेंडिकुलर डाल रखा है जो कि 11 है, ठीक है। इस डायग्राम को आप थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं। गिवन में हम लिखेंगे वन डायगोनल इक्वल 20 मीटर, लेंथ ऑफ ऑफसेट्स 11 मीटर एंड 9 मीटर। इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 डायगोनल मल्टीप्लाई सम ऑफ ऑफसेट, तो ऑफसेट का सम होता है ना, तो यहाँ पर 1/2 डायगोनल हमारे पास 20 है मल्टीप्लाई 11+9, तो 11+9 होगा 20, तो 1/2 20 मल्टीप्लाई 20, तो 2 1 2 2 10 20, तो 10 का मल्टीप्लाई 20 में होगा तो 200। मीन्स एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर जो हमारा आया है वो 200 मीटर स्क्वायर आ गया। तो बच्चे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9, यहाँ पर है फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायगोनल। अब हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड करना है, क्वाड्रिलेटर हुज एरिया इज 195 मीटर स्क्वायर, जिस क्वाड्रिलेटर का एरिया कितना है 195 मीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स टू डायगोनल फ्रॉम द अपोजिट वर्टिक्स आर 8.5 मीटर एंड 11 मीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब ऑफसेट यहाँ पर दे रखे हैं ऑफसेट्स, और हमें यहाँ पर डायगोनल निकालना है और एरिया भी हमें गिवन है, तो उसी फार्मूले से सॉल्व करें जिससे हमने 8th सॉल्व किया, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का जो फार्मूला है 1/2 d1 मतलब डायगोनल मल्टीप्लाई सम ऑफ परपेंडिकुलर, तो ए प्लस बी, तो यहाँ पर एरिया में गिवन है 195 इक्वल टू 1/2 d1 डायगोनल निकालना है हमें, मल्टीप्लाई
परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो उनका सम कर देंगे, तो 8.5 प्लस 11, तो 195 इक्वल टू 1/2 d1 इंटू, इन दोनों को प्लस किया तो आप जानते हो डेसिमल को प्लस करना, तो 19.5 आ जाएगा। अब हमें d1 निकालना है, डायगोनल निकालना है, तो ये 2 अपॉन में तो उधर जाके किस में आएगा मल्टीप्लाई, तो 195 के साथ 2 का मल्टीप्लाई और 19.5 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके कहाँ आएगा अपॉन में। अब डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो ऊपर 20 के बाद हमने 10 लगा दी। अब 195 से 195 कैंसिल हो गया, तो d1 इक्वल टू 20 मीटर, तो हमारा डायगोनल आ चुका है, तो देयरफॉर द डायगोनल इक्वल टू 20 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। 10 और 11 हम नहीं सॉल्व करेंगे, हम 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 12 क्वेश्चन में हमें सारी साइड गिवन है, मतलब यहाँ पे हेरोंस फार्मूला लगेगा, तो ये फार्मूला हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चाहे तो कर लीजिएगा, नहीं तो इसका एक या दो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।